नमस्कार, वेलकम टू ऑल इन वन ट्रेजर। आज हम बनाएंगे दही बड़े, वो भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। जैसे दही बड़े एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे, साथ ही हम बनाएंगे दही बड़े में डालने वाला मसाला। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हम आधा कप उड़द की दाल को धोकर 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। फिर उसका पानी ड्रेन करके दाल को मिक्सिंग जार में डाल देंगे। साथ ही लगभग 50 मिलीलीटर पानी डालकर उसे बारीक पीस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा दाल एकदम बारीक पीस गया है। पीसी हुई दाल को एक बाउल में खाली कर लेंगे। इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही 2 बड़े चम्मच या 25 ml पानी डालेंगे और फिर हम इसे हाथ से फेंटेंगे। फेंटते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हाथ को एक ही दिशा में घुमाएंगे, ताकि फेंटते समय दाल में आपने जो हवा भरी है वो बाहर ना निकले। बैटर में हम पानी हिसाब से डालेंगे। ज़्यादा डाल दिया तो बड़े तलते समय तेल सोख लेंगे, और अगर कम डाला तो बड़े कड़े बनेंगे, साथ ही फूलेंगे भी नहीं। इसलिए पानी की मात्रा का हमें विशेष ध्यान रखना है। बड़े के बैटर को 5 से 7 मिनट तक एक दिशा में फेंट लेंगे। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके बड़े तलने के बाद अच्छे से फूलेंगे या नहीं। इसके लिए आधी कटोरी पानी ले लेंगे, फिर उसमें फेंटे हुए बैटर की 1 बूंद डालेंगे। अगर आपका भी बैटर इस प्रकार पानी में तैर रहा है तो समझ जाइए कि आपका बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, और तलने के बाद आपके बड़े काफ़ी स्पंजी बनेंगे। तो चलिए बड़े तलने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में बड़े तलने के लिए तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम हाथ में पानी लगाएंगे, ताकि हमारा दाल हाथ में सटे नहीं। और कुछ इस प्रकार हाथ से बैटर को थोड़ा थोड़ा लेकर तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। तलते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ताकि हमारे बड़े अंदर तक अच्छे से पक जाएं और जले ना। फ्लेम हाई रखने पर पकौड़े बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बड़ों को हम धीरे धीरे पलट कर चारों तरफ से तल लेंगे। देखिए, हमारे बड़े तलकर तैयार हैं। मध्यम आंच पर तलने में इन्हें 2 से 3 मिनट का समय लगता है। आप चाहें तो हाथ पर पानी लगाकर बैटर से इस प्रकार भी बड़े बना सकते हैं। आपको जिस आकार में बड़े बनाने हो, आप उस प्रकार सारे बड़े को तल लें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बड़े एकदम स्पंजी और रुई जैसे सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जितने बड़े आपको सर्व करने हो, उतने बड़ों को हम पानी में भिगोएंगे, ताकि हमारे बड़े सॉफ्ट हो जाएं और साथ ही एक्स्ट्रा तेल बाहर निकल जाए। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इसी बीच हम थोड़ी दही और पानी मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखें कि दही बड़े में हम फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बड़ों को तैयार मट्ठे में डालेंगे, ताकि बड़े के अंदर तक दही का फ्लेवर चला जाए। पानी में भिगोए हुए बड़े से निचोड़कर एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, और इसे हम साथ ही मट्ठे में डालते जाएंगे। मट्ठे में भी इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम दही बड़े का मसाला बनाते हैं। एक पैन या तवे पे 3 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच सूखी पुदीने की पत्ती ले लेंगे। अगर आपके पास सूखी पत्ती ना हो तो ताजे पुदीने की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सामग्री को मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
मसालों को तुरंत पैन से बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम चकले और बेलन की सहायता से मसालों को पीस लेंगे। आपके पास अगर सिलबट्टा हो तो आप उस पर भी पीस सकते हैं। लीजिए, हमारा मसाला पीसकर तैयार है। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। अब इन सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारे दही भल्ले का मसाला तैयार है। दही भल्ले में डालने के लिए दही को भी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी फ्रेश दही में एक छोटी चम्मच चीनी डाल लेंगे और इसे अच्छे से फेंटकर बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो चलिए, अब हम दही बड़े की प्लेटिंग करते हैं। छाछ में भिगोए हुए बड़ों को एक पत्तल या प्लेट में निकाल लेंगे। बड़ों पर अब हम ढेर सारी दही डाल लेंगे। हम इसके ऊपर इमली की मीठी चटनी, और धनिया की तीखी चटनी डाल लेंगे। अब हम इस पर दही बड़ा मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे जो हमने बनाया था। दही बड़े को हम नमकीन सेव और अनार के दाने से सजा लेंगे। तो लीजिए, हमारा पारंपरिक तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट और स्वादिष्ट दही बड़ा बनकर तैयार है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।